पुराने दुकानदार अपना बिजनेस कैसे बढ़ाएं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित कुमार है और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जिनका पुराना स्टोर है, ठीक है, वो कैसे आगे बढ़ें, अपना बिजनेस को कैसे ग्रो करें। तो हम लोग जनरली ये देखते हैं कि एक बार जब कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, ठीक है, तो बहुत मेहनत करता है, नया बोर्ड लगाएगा, पूरा प्रचार करेगा, डिस्काउंट देगा, ऑफर देगा, शॉप को अच्छे से डेकोरेट करेगा, ठीक है, और डिस्प्ले पे ध्यान देगा, सब कुछ परफेक्ट, ठीक है। लेकिन वही जब एक साल, दो साल, तीन साल पुराना हो जाता है बिजनेस, तो किसी का हम देखेंगे कि बोर्ड पुराना हो गया है, ठीक है, एकदम मतलब कुछ नाम भी नहीं पता चल रहा है शॉप का, डिस्प्ले में कुछ पुराने फटे चिटे लगे हुए हैं, ठीक है, बाहर में, अंदर में भी है तो कुछ मतलब ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ऑफर डिस्काउंट कुछ नहीं, बस मतलब हाँ चलो आप आओ, ठीक है, पसंद आया तो लो, नहीं तो नहीं लो, कुछ भी मतलब कुछ एक्साइटिंग नहीं रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए बहुत खतरे की बात है। खतरे की बात इसलिए है कि आप याद कीजिए, ठीक है, कि जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया था नया, ठीक है, तो आपने कितना मेहनत किया था, जो पुराना जिसका बिजनेस था, ठीक है, तो उसको आपने, उसका जो मार्केट शेयर है उसको आपने कैप्चर कर लिया अपना नया नया आइडियाज़ के साथ, नया डिस्काउंट अट्रैक्ट करके नए कस्टमर को, ठीक है। लेकिन जब किसी का चलने लग जाता है तो वो फिर बिजनेस पे ध्यान ही देना छोड़ देता है, ठीक है, उसको वो सब फिर खर्चा लगने लग जाता है कि हम क्यों बोर्ड में खर्चा करें, क्यों हम सोशल मीडिया पे अपना दुकान का प्रचार करें, ठीक है, क्यों जरूरत है, ग्राहक तो आ ही रहे हैं, ठीक है। लेकिन घंटे, खतरे के घंटे इसलिए मैं बोलूँगा क्योंकि फिर आपके सामने में, ठीक है, फिर वही नया बोर्ड लगाकर, नया अच्छा सा डिस्प्ले लगा के कोई खोल देगा, ठीक है, तो आपका बिजनेस चौपट हो जाएगा। और ये मैं मतलब एक कल टाटीसिल्वर मार्केट में गया था, ठीक है, यहाँ का लोकल मार्केट है, तो मैं एक देखा कि जाना माना दुकान, मैं नाम नहीं लेना पसंद करता हूँ, ठीक है, वो थोड़ा सा सही नहीं रहेगा, ठीक है, तो बहुत मतलब नामी गिरामी दुकान है, ठीक है, लेकिन उसका बोर्ड इतना पुराना और वहाँ पे इतने फटे चिटे मतलब कपड़े बाहर में टंगे हुए हैं कि पर्सनली मतलब अगर मैं कस्टमर रहूँगा तो वहाँ तो मैं कभी नहीं जाता, ठीक है, कभी नहीं, मतलब अगर मुझे आसपास के, अगर वो कितना भी वो नामी बनिया है वो, ठीक है, मैं उसके पास नहीं जाने वाला, क्योंकि देखकर यार बाहर में पुराने डिज़ाइन के फटे चिटे टंगे हुए हैं, दुकान का नाम तक नहीं दिख रहा है, तो मतलब मेरे माइंड में ये अजम्पशन आएगा कि इसके पास मुझे क्या कलेक्शन मिलने वाला है नया, ठीक है। तो इस तरह का होता है। अब लोग क्या करते हैं कि जिसका भी चलने लगता है तो ये सब चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं, जबकि मेरा मानना है कि क्यों, अगर मेरा 20 लाख का टर्नओवर है तो क्या मुझे उसे 50 लाख नहीं करना है, तो उसको मैं मुझे हमेशा ये मान के चलना चाहिए कि आज मैं बिजनेस को फिर से स्टार्ट किया हूँ और फिर और जो भी है बेहतरीन टाइप से फिर उसको प्रमोशन कीजिए, जो मेरा कस्टमर अगर 1000 है तो उसको मुझे 2000 तक पहुँचाना है, तो वो मैं कैसे पहुँचाऊँगा, और अच्छा बोर्ड लगाइए, और अच्छा डेकोरेशन कीजिए, ठीक है, नए डिस्काउंट लाइए, नए ऑफर लाइए, और ये सिर्फ और सिर्फ कुछ साल के लिए नहीं, ये जब तक आपका बिजनेस है तब तक हमेशा इनोवेशन करते रहिए, हमेशा कुछ चेंजेस करते रहिए, ठीक है। कभी कभी हो सकता है कि कुछ आपका डिस्काउंट ऑफर काम ना करे, उससे भी अच्छा ऑफर लाइए आप, ठीक है, और ये निरंतर हमेशा करते रहना चाहिए, तो फिर आप देखोगे कि कोई भी आपके आस पास में कोई नया दुकान डालकर और आपको कम्पीट नहीं कर पाएगा, ये मेरा चैलेंज है दोस्तों, ठीक है। लेकिन अगर वही, अगर ये सब चीज़ पे आप ध्यान नहीं दीजिएगा, बोर्ड को फटे फूटे रहने दीजिएगा, डिस्प्ले पे ध्यान नहीं दीजिएगा, कोई ऑफर, दिवाली है तो है, दुर्गा पूजा है तो है, ठीक है, होली है तो है, मतलब मुझे क्या, तो फिर आपका बिजनेस जो डाउनफॉल जो होता है, ठीक है, तो उसके लिए आपको रेडी हो जाइएगा। तो ये कैसा आपको सजेशंस लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है, थैंक यू।